आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घटिया न्यूज 24/7। मैं हूँ आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों। MIB ने 17 सीनियर IIS ग्रुप ए अफसरान को STS से JAG में तरक्की दी। KTC शरबत में हजामा पर 3 रोजा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज जावेद बादी की तैयार करता फिल्म फुटप्रिंट्स की स्क्रीनिंग अमल में लाई गई। हिलर कोकरना का नौजवान लापता, एल खाना की जानिब से वापसी की अपील। अब खबरों का तबसरा। वज़ीरे इत्तला'आत व नशरियात ने 17 सीनियर IAS ग्रुप ए अफसरान को सीनियर टाइम स्केल से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में तरक्की दी है, जिनमें गुलाम अब्बास, HOO PIB J&K, लद्दाख और 16 दीगर जो वज़ीरे के मुख्तलिफ मीडिया यूनिट्स में तैनात हैं। हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट कश्मीर टेबिया कॉलेज अस्पताल के ज़ेर एहतमाम हिजामा पर 3 रोज़ा मुफ्त वर्कशॉप आज शलवत बानीपुरा में इख्तिताम पज़ीर हुआ। 3 रोज़ा मुफ्त कैंप जिसका इफ्तिताह AGDC बानीपुरा ने SDM सुंबल की मौजूदगी में किया। पूरे कश्मीर में 200 से ज्यादा मरीजों ने रजिस्ट्रेशन की। कैंप के दौरान हिजामा थेरेपी के माहिर डॉक्टर्स मरीजों को खिदमात फराहम करने के लिए मौजूद थे। कंपोजिट रीजनल सेंटर श्रीनगर ने आज JK बोस के टाउन से स्पेशली एबल्ड तलबा के लिए बोर्ड इम्तहानात में रसाई और चोट के मौजू पर एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तरबीती प्रोग्राम का बुनियादी मकसद स्पेशली एबल्ड तलबा के लिए चैलेंज, मसाइल और चोट के बारे में आगाही और हसासियत पैदा करना था। प्रोग्राम का इफ्तिताह डॉक्टर मीर जफर इकबाल ने किया, जो CRC के डायरेक्टर हैं। JKRS के लिए मुस्तफा जमील की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज जावेद बादे की तैयार करदा फिल्म फुटप्रिंट्स की स्क्रीनिंग अमल में लाई गई। ये फिल्म वादी कश्मीर की एक सच्ची कहानी पर फिल्माई गई है और इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म में जिन अदाकारों ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, इन अदाकारों का ताल्लुक वादी कश्मीर से ही है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग एक्ट के बैनर तले अंजाम दी गई। इस मौके पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जावेद बादे और फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर और एक्ट के चेयरमैन मुश्ताक अली अहमद खान ने कहा। फिल्म पर बात करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर जावेद बांडे ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, मेरा नाम मुश्ताक है, मुश्ताक अली अहमद खान। मैं कश्मीर फिल्म फेस्टिवल का फेस्टिवल डायरेक्टर हूँ और उस फिल्म फेस्टिवल का फेस्टिवल डायरेक्टर होने से ज्यादा मैं फिल्म लवर हूँ और एक कश्मीरी हूँ। मुझे कश्मीर से मोहब्बत है और फिल्मों से मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कश्मीर में, श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएं, स्क्रीन की जाएं, आर्टिस्ट लोग आए देखने के लिए। और आर्टिस्ट ज्यादा जरूरी है, जनरल पब्लिक जो हमारी है कश्मीरी, उनको फिल्म देखने को मिलती नहीं है, यहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश है अपने एक हम्बल तरीके से फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाए और ये फिल्में सबको दिखाई जाए। फुटप्रिंट्स का हमने प्रीमियर पहले किया है कनाडा में और यहाँ पे हम खसूसी इसकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं। जो हमारा कास्ट एंड क्रू है कश्मीर से खासकर, उनकी गुजारिश पे और बहुत अरसे से वो कह रहे थे, क्योंकि पैंडमिक की वजह से लेट हो गई थी फिल्म, पर हमने खसूसी आज इसकी स्क्रीनिंग रखी है और इंशाल्लाह इसके बाद हमें प्रोग्राम है UK में, इसको हम इसको अगेन एक स्क्रीनिंग कराने के उसके बाद ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। और जो भी लोग यहाँ इससे वाबस्ता है वो कोशिश कर सकते हैं, मतलब जब आपने एक फिल्म बना दी है तो उसका मतलब ये है कि वी कैन पुल आवर, वी कैन डू इट। तो ये एक मैसेज जाना चाहिए जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट हैं उनके लिए।
हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक वी दी हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन ने खानियार श्रीनगर में इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें 51 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले 51 जोड़ों ने आज मैरिज हॉल बादामी बाग श्रीनगर में शादी की। तो हम यहाँ पे उनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है मैरिज किट, और मैरिज किट में इंक्लूड होता है बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि गैस चूल्हा है, राइस कुकर है, कपड़े हैं। तो आप लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना, और आप देख रहे हैं कि अभी कहां से पढ़ रहा हमारी सोसाइटी की, अभी कल परसों एक सर्वे रिपोर्ट आया जिसमें हिमाचल में सबसे आगे अनमैरिड यूथ में 3.1 रेशो, दूसरे नंबर पे यूपी है, लोग लगे हुए लड़ने में झगड़ने में, और हमारी सोसाइटी कहां जा रहा है पहले इस पे काम करना है। हाथ रखा किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखा, ये पूछा जाएगा सबसे पहले आप, ये नहीं पूछेगा कि आपने कितने किसी कितनी नफरत की। तो मैं अपनी सोसाइटी को यही मैसेज, अपने कौम के लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, छोड़िए कितना फसाद, छोड़िए नफरत, नफरत में क्या रखा हुआ, नफरत से कुछ नहीं मिलता, और अपने कौम के लोगों को मेरे साथ वकार कायम बात है, ये साउथ कश्मीर के प्रेसिडेंट के विद्यार्थी फाउंडेशन के साथ, और मेरे साथ कार्य साहब आज यहाँ पे छुट्टी का काफी। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डीएमओ अनंतनाग की टीम ने अनंतनाग में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ छापे मारे और इसमें मुलवस 10 गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिनमें 6 टिप्पर, 2 टिम्पर, 1 ट्रक और 1 ट्रैक्टर रेत और नाला बोल्डर्स की गैर कानूनी नकल हमल में मुलवस पाए गए। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कश्मीर के हिलर कोकरनाग इलाके के 17 साल लापता नौजवान फैसल गुलजार नजार के अहल खाना अपने बेटे की घर वापसी की अपील कर रहे हैं और आवाम व पुलिस से अपील कर रहे हैं कि वो उनके लापता बेटे की तलाश में उनकी मदद करें। ییتن فیصل صاحب واپس یتن خدا سند پاس واپس بوزتا یتن انصاف یمن بمار یمن غریبی ہند مول بمار نوتمان بچور مزر آن یہ گھر آسن مہربانی کر مہربانی کر سوچ واپس فیصل تلا واپس हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के इंटर्नीज ने गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल के टाउन से सुंबल में एक रोजा सफाई मुहिम का इनेकाद किया। तकरीब को हायर सेकेंडरी स्कूल से झंडी दिखाकर रवाना किया गया और रैली सुंबल कॉलोनी का एक मुकम्मल चक्कर करने के बाद सोमोस्टैंड कॉलोनी सुंबल पर इख्तिताम पजीर हुई और तलबा के साथ साथ इंटर्नीज ने क्लीन वैली ग्रीन वैली के नारे लगाए। उनसे हमें हम बच सके, और एक और ये है कि हमारे कुरान में भी लिखा गया है कि सफाई आधा ईमान है, तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे टाउन को, पूरे वैली को, दैट अपने माहौल को आप साफ रखिए। हमारे स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, उन्होंने बाजाबा वहाँ के कंसर्न प्रिंसिपल से ऑर्डर लिया है, तो ये पिछले 12 दिन के लिए है यहाँ पर इनका प्रोग्राम है, उनमें से एक जो आज है क्लीन ड्राइव, एक पार्ट है जैसा हम क्लीन इंडिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट क्लीन इंडिया। हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के तंजीमी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इंतखाबात होंगे और बीजेपी हर वक्त एक्शन के लिए तैयार है। पूछे गए एक सवाल के जवाब में लीडर मौसूफ ने कहा कि पार्टी के साख्त न सिर्फ जम्मू बल्कि वादी में भी मजबूत है। उनका कहना था कि आने वाले इलेक्शन में पार्टी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। ऐसा है कि 31 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम फाइनल वोटर लिस्ट 31 अक्टूबर को देंगे, उसके बाद कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन की घोषणा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया घोषणा करेगा, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है।
हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक आज अपनी पार्टी का एक रोजा वर्कर्स कॉन्वेंशन डाक बंगला बारामूला में मुनक्किद हुआ, जिसमें अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर, रफी अहमद मीर, दिलावर मीर, यावर मीर और अवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। के लोगों पे एहसान है, मैं दिल्ली को यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ, ये कोई एहसान नहीं है, ये हमारा जमहूरी हक है और जमहूरी हक को बहाल करो। चार साल से हम गवर्नर रूल में पीछे जा रहे हैं। स्मृति की बात है कि बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद इम्तिहान पास करते हैं, फिर सिलेक्ट होते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि आप इसमें फ्रॉड हुई है। जिन्होंने फ्रॉड किए उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, बाकियों को लिस्ट में सिलेक्ट रखा जाए और उनको आगे जाने की। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी पार्टी के रहनुमा और साबिक एमएलए यावर अहमद मीर ने आज बारामूला में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। समझ नहीं है, बड़े बड़े कारोबार चौपट हो गए, तबाह हो गए 5 अगस्त के बाद। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप इस स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैजियाब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब खैर।